हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लौकी का हलवा बनाएंगे। तो इसके लिए हमने दो लौकी ले ली है। अब फ्रेंड्स, हमारे अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए इसको हम पहले छील लेते हैं। ये देखिए, इसी तरह से हमें छील लेना है। और लौकी का हलवा बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, बनाइएगा ज़रूर इसको। तो ये देखिए, हमने इसको छील लिया है। अब इसको हम छोटे छोटे रिंग में काटेंगे। ये देखिए, इसी तरह से इसको काट लेना है। तो इसी तरह से दोनों लौकी को हम काट लेंगे। अगर इसमें का बीज हार्ड लगे तो इसको निकाल दें। ये देखिए, वैसे ये हार्ड नहीं है ज़्यादा, फिर भी हम इसको निकाल देंगे। अब लौकी को हमने काट लिया है। अब इस कुकर में हम इसको डाल देंगे। ये देखिए, इसको घिसने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही जल्द बन जाता है। तो ये देखिए, हमने इसको कुकर में डालकर इसको गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसमें हम एक चम्मच घी डाल दिया है। अब फ्रेंड्स, इसमें दिख रहा होगा कि हमने कुछ बीज नहीं निकाले हैं, तो ये हार्ड नहीं था तो इसलिए हमने नहीं निकाला। तो ये देखिए, घी को अच्छे से मिक्स कर दिया है हमने। अब इसमें हम ढक्कन लगा देंगे। ये देखिए, इसमें सीटी लगा दिया है हमने। अब इसको हम 2-3 मिनट के लिए ऐसे रख देंगे स्लो आँच पर। तो ये देखिए, चलिए देख लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स, हमने पानी नहीं डाला था। तो ये देखिए, हमने इसका गैस निकाल दिया है। चलिए अब देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लौकी हमारी अच्छे से पक गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें पानी नहीं डाला था तो इसलिए लौकी थोड़ी काली हो गई है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, अब इसी मिक्सचर से हम अच्छे से इसको मैश करेंगे और अच्छे से इसको फाइन कर लेंगे, बिल्कुल ये बारीक कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा ग्रीन फ्रूट कलर डालेंगे। तो ये देखिए, ये हल्का कलर इसमें आ जाएगा तो अच्छा लगेगा देखने में। तो ये देखिए, अब इसी मिक्सचर से हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है, बिल्कुल बारीक हो गया है, फाइन हो गया है। तो देखिए, तो चलिए अब इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी जैसे जैसे आपको पसंद हो उसी तरीके से डालिएगा, जैसे मीठा या कम तो उसके अकॉर्डिंग डालें। अब इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे। और ये है काजू बादाम और मुनक्का है, तो इसको भी डाल देंगे। ड्राई फ्रूट आपको जो भी पसंद हो आप डाल सकते हैं। अब इसको इसी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, अब इसमें हम एक चम्मच घी और डाल देंगे। अब इसको अच्छे से इसमें हम मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अभी इसमें पानी है तो इसको अच्छे से अभी हम पकाएंगे और ताकि पानी सूख जाए। फ्रेंड्स, ये है फ्रेश मलाई, तो इसको भी हम यहाँ पे डाल देंगे, इससे टेस्ट और अच्छा आएगा। तो ये देखिए, पानी सूख गया है, अभी हल्का फुल्का है तो इसको भी हम थोड़ा सा जला देंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल हमारा हलवा रेडी हो गया है, पानी बिल्कुल सूख गया है। तो चलिए अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमने प्लेट में सब कर दिया है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा लौकी का हलवा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हाथ जोड़कर विनती है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसे लगा हमारा